गीत कह रहा है। और इस दिल में रखा है तेरा ही दर्द छिपा रखा है। और दादा चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, ये तेरा ही और पीछे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं आप लोग भी, हमारी माताएं बहनें, इस कथानक को सुने। कीर्तन का मतलब केवल हाथ से नहीं है, कीर्तन में आनंद भी लीजिए, लेकिन जो सीख कर जो सुन कर जाइए उसको जिंदगी में उतारिए भी। इसलिए कीर्तन भागवत कथाएं कराई जाती हैं। तो इस कथा को हमारी महिलाएं जरूर सुने। भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है, अगर नारी अपने पर आ जाए तो। अभी आपने हमारे शैलेन भैया से सुना था कि नारी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कर लेती है। तो महिलाएं अगर चाह लें अपनी जिद पर आ जाएं तो भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। और कई जगह नारियों के ऐसे प्रमाण मिलते हैं। आपने सुना होगा कि सती शांडली ने अपने पति के मरने की बात सुनी तो उसने सूर्य को भी नहीं निकलने दिया। सती शांडली ने अपने पति को बचाने के लिए सूर्य को नहीं निकलने दिया। सती सावित्री ने अपने पति यमराज से, अपने पति को वापस यमराज से ले आई। वो अपने पति को इतना प्रेम करती है सत्यवान को कि वो यमराज से भी उसको ले आई। ऐसी ऐसी सतियां, कई सती सीता, कई सीता राधा, कई गंगा, ना जाने कितनी सतियां हैं। लेकिन जिस सती की मैं बात कर रही हूँ दादा, उस सती का नाम है सती वृंदा। सुनिए, अगर सतियां यानी नारियां अपने पर आ जाएं तो देवताओं को भी 6-6 महीने का बालक बना देती है अनसुईया जैसी नारी। तो इधर इस सती का नाम है सती वृंदा। सती वृंदा का नाम दो जगह पढ़ने में आया दादा, कई पुस्तक में लिखा है उसके पति का नाम है जालंधर, और जहां मैंने पढ़ा वहां उसके पति का नाम है शंखचूर्ण। वृंदा अपने सत को इतना प्रबल किए है कि उसका पति पापी है, दुष्ट है। शंखचूर्ण ने अपराध किए लेकिन उसको बड़े बड़े देवता भी नहीं मार पा रहे। और जब वो नहीं मर रहा तो सती वृंदा के सत की वजह से वो नहीं मर रहा। देवताओं ने सोचा इसका मरना जरूरी है, नहीं देवताओं का सारा साम्राज्य खत्म कर देगा। ये सोचकर भगवान विष्णु ने एक छल किया। रात्रि का समय था, भगवान विष्णु सती वृंदा के पास उसके पति शंखचूर्ण का रूप बनाकर लेट गए और लेटकर उसके साथ छल कर दिया। जब उस देवी की, मैं माताएं बहनों से निवेदन करूंगी, गीत आपके लिए ही हो रहा है, आप ही लोग उठ रही है तो सुन कर जाएं। केवल कीर्तन में आकर चले जाना ही जरूरी नहीं है, सवाल को भी ध्यान से सुने। तो जब उस नारी ने देखा कि ये भगवान विष्णु मेरे पति का रूप बनाकर आए और मेरे साथ छल किया, और वो जान गई कि ये तो मेरे पति नहीं, ये तो विष्णु है, तो उस नारी ने कहा कि हे विष्णु भगवान, कहा क्या? हे सत्यधारी, तुम्हारा
आधा काफी वजन है, ये सब मसाले कमाल है। सती ने कहा हे सतधारी कैसा सत है, तो सत ने सत को डिगा रखा है, सत ने सत को डिगा रखा है, और धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से। आपको लोग सत्यनारायण कहते हैं, अरे आप तो असत का साथ दे रहे हैं, तो धर्म धुरंधर क्यों अधर्म से, ये मेरा धर्म मिटा रखा। और पूरे गीत को ध्यान से सुनिएगा दादा, आपसे भी निवेदन है। उस सती ने देखा विष्णु को तो कहा, कहा व्यथित है मन मेरा, व्यर्थ जीवन मेरा, और धर्म था धन मेरा, तो लूटा है तन मेरा। जो कार्य किया वो अच्छा नहीं किया विष्णु, और कहा कि आस मेरी टूटी तो सांस पति की छूटी, और धर के काया झूठी लाज मेरी लूटी। कहा लाज नहीं आई, कैसे हो दयावान। और मैं कमेटी के लोगों से निवेदन कर रही हूँ, मेरी पंक्ति सुनिएगा, सुनिए। हमारी माताएं बहनें भी जानती हैं कि स्त्री के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, वो चाहे उसको भगवान छले या इंसान छले, नारी की अस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब वृंदा के साथ विष्णु ने छल किया तो उसने कहा कि हे विष्णु, आज तुमने मेरे साथ छल किया इसलिए मेरा पति भी मारा गया, मेरी लाज भी चली गई। और कहा कि लाज भी छीनी, लाज भी छीनी और साज भी छीना, लाज भी छीनी और साज भी छीना, तो पास मेरे अब क्या रखा। देखिए मैं कह रही हूँ, नारी को क्रोध आ जाए तो होता क्या है। सती वृंदा ने विष्णु के इस क्रियाकलाप को देखा तो उसने कहा, सुनो विष्णु, सुनो, आए तन धर के तुम, आए तन धर के तुम, और सत मेरा हर के तुम, तो श्राप ये मेरा है, के श्राप ये मेरा है, बनो पत्थर के श्राप है कि हे विष्णु, तुम भले ही भगवान हो लेकिन आज के बाद तुम पत्थर के शालीग्राम बन जाओगे। और जब ये सुना विष्णु भगवान ने, तो विष्णु भगवान ने भी पलट कर एक श्राप दिया, कहा नारी अगर तू सती थी तो तुझे मुझे पहचान लेना चाहिए, लेकिन सुन, जाओगी धुलसी तुम और रहोगी हुलसी तुम, और बनू मैं शालीग्राम तो
बनोगी तुलसी तुम्हें, शालिग्राम बन जाऊंगा तो तुम तुलसी का वृक्ष बन जाओगी। अक्षत्र रूप में सदा शीश पे रहोगी तुम विद्यमान, के रहोगी तुम विद्यमान। तुम मेरे सर पर छत्र की तरह रहोगी। वो नारी रोने लगी, कहने लगी, भगवान अगर मैं तुलसी का वृक्ष बन जाऊंगी तो मैं अपने पति से कैसे मिलूंगी, कैसे? मैं अपने पति शंखचूड को बड़ा प्रेम करती हूँ। तो भगवान ने कहा, सुनो तुम अपने शरीर के एक अंश से तुलसी का वृक्ष बनोगी और दूसरे अंश से, एक अंश से बनो गंडकी, दादा एक अंश से गंडकी नदी बन जाओगी, तो एक अंश से बनो गंडकी तो सरिता रूप बना रखा। मैंने इसलिए भी रखा है, माताएं बहनें भी बैठी हैं और माता मनसा का दरबार है, क्या बात, तो नारियों की चर्चा होनी चाहिए। अंतिम पंक्ति सुनिए, सुनिए। उसने कहा, प्रभु एक तरफ मैं तुलसी बन जाऊंगी, एक तरफ मैं गंडकी नदी बन जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति से मिलूंगी कैसे? तो भगवान ने कहा, सुनो कैसे मिलोगी, कैसे होगी? कल कल पावन बनेगी जल पावन, और रहूंगा साथ में तेरे, पाएगी फल पावन, पाएगी फल पावन। कैसे कैसे फल पाएगी? सदा तू सनाथ रहे और कभी ना अनाथ रहे, तो हड्डियां पति की तेरे, जो तेरे पति की हड्डियां हैं वो अस्थियां पति की तेरे, शंख बन साथ रहे, शंख बन साथ रहे, शंख बन साथ रहे। भगवान ने कहा, जब दूसरे अंश से तू गंडकी नदी बनेगी तो तेरे पति की अस्थियां उसमें प्रवाहित होंगी और वही शंख बन जाएंगी, और शंख के रूप में नदी से तेरे पति का मिलाप होगा। और आप लोग जानते हैं कि जो शंख है ये नदियों में ही पाए जाते हैं, वो पति पत्नी साथ हैं, हर जगह नदियों में ही शंख मिलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, लेकिन अब तू तुलसी बन गई है तो क्रांति आज भी तुलसी को हरी ने, क्रांति आज भी को हरी ने अपने सर पे बिठा रखा, अपने सर पे बिठा रखा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं आठ पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी, तो तुलसी के आज भी क्रांति तुलसी को हरी ने के अपने सर पे बिठा सबको मेरी तरफ से। और ये 51 मुद्राएं भैया सौर्य प्रजापति जी दूला नगर
आपकी तरफ से धन्यवाद है आपको। 51 मुगराएं भैया हरिश्चंद्र कश्यप जी दूला नगर आपकी तरफ से है, आपको भी धन्यवाद है। लाल
नर से बड़ी नारी ना होती है। सुनिए मेरी बात, अगर गुप्ता जी अगर नर से नारी बड़ी ना होती है, अगर नर से नारी बड़ी ना होती तो 500 की घड़ी, 550 रुपए का घड़ा और 500 की घड़ी ना होती। अगर नर से नारी बड़ी ना होती तो 50 रुपए का घड़ा और 500 की घड़ी ना होती। एक चुटकुला दे रहा हूं। एक मुसलमान शौहर अपनी बीवी से नाराज हो गया, गुस्से में उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक। तीन बार उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक। उसकी बीवी पहले घबराई, फिर हिम्मत करके कहने लगी मोदी मोदी मोदी। तो उसका शौहर इतना डर गया, कहने लगा मजाक मजाक मजाक। सुनी जी का नैनु का पोतारा
आदरणीय क्रांति जी।